हेलो दोस्तों, हमारे पास है ये मारुति सुजुकी वैगनर। ये कस्टमर ने 2017 में गाड़ी ली थी और अभी तक इसने सिर्फ 2 हज़ार ही चलाई है और गाड़ी एक बाजू पड़ी रखी है। इसको गाड़ी तो अभी तक चलाया ही नहीं है, सिर्फ 2 हज़ार ही चलाई है और इसको टोटल 4 साल हुआ है। और गाड़ी जितनी चलने पे ख़राब नहीं होती, उतनी गाड़ी पड़े रहने पे ज़्यादा ख़राब होती है। ये देखो गाड़ी, हमने इसका काम करना था, ब्रेक नो सब नहीं आ रहा था, तो उसका चेकअप के लिए हम इसके व्हील खोल रहे हैं। व्हील के चारों चार नट खोल दिए, फिर भी व्हील खुल नहीं रहा क्योंकि इतना रस्टिंग आ चुका है इसके व्हील के ऊपर। तो इसको इतना मारने पे भी ये व्हील खुल नहीं रहा। देखो मैं इतना जोर जोर से मार रहा हूँ, फिर भी इसको कुछ असर नहीं हो रहा। हम इसके ऊपर रस्टिंग स्प्रे डाल देंगे, क्या इससे थोड़ा रस्ट छूटा हो जाएगा, जिसकी वजह से व्हील थोड़ा ईजी निकलेगा। तो हम दोनों साइड के आगे के दोनों साइड व्हील इसके इस तरह जाम हो चुके हैं, तो हम इसका काम करेंगे। देखो ये थोड़ा रस्टिंग डाल देते, स्प्रे डाल देते, जिससे दिक्कत नहीं आएगी हमको इसका व्हील निकालने में। ये लेफ्ट साइड के टायर में डाल दिया, तो हम राइट साइड के टायर में भी डाल देते, दोनों साइड सेम प्रॉब्लम है। तो हम दोनों साइड डालेंगे, देख रहे हैं हमने डाल दिया। बाद में इसको 5 से 6 मिनट रख छोड़ेंगे, फिर बस देखेंगे। फिर भी हमने इसको देखा, बाद में भी हो नहीं रहा, तो इसमें हम हमारी बाहुबली की ताकत लगाएंगे। हमारा कटप्पा है, इसकी ताकत लगाएंगे। देखो ये कटप्पा की लात, एक दो, हाँ ये छूटा हो गया और हमारा दोनों साइड से निकल गया। दिख रहा है अंदर कितना सारा रस्टिंग हो चुका है। ये गाड़ी पड़ी रहने की वजह से पूरी ब्रेक डिस्क ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें ब्रेक डिस्क रिप्लेस करने पड़ेंगे। इसके ब्रेक पैड भी ख़राब हो चुके हैं, इसके ब्रेक पैड भी रिप्लेस करेंगे। इसके कैलिपर में जो ग्रीसिंग आता है वो भी ख़राब हो गया, पूरा रस्टिंग आ चुका है। तो कैलिपर भी पिने नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये ब्रेक का मामला है, इसमें कोई भी चीज़ हम रिपेयरिंग चलाएंगे नहीं। देखो दोनों साइड ऐसा ही प्रॉब्लम है, और ये ब्रेक के साइड नहीं होता, ये बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि गाड़ी पड़ी रहने की वजह से ख़राब होता है। देखो ये तो ख़राब हो चुका है, इसमें कैसा होगा, पड़ी रहेगी तो गाड़ी का पेट्रोल भी ख़राब हो जाएगा, तो पेट्रोल ख़राब होने की वजह से भी गाड़ी का इंजन पर भी मार पड़ सकती है। तो एक ये ब्रेक का प्रॉब्लम हो सका, पेट्रोल ख़राब हो सकता है, वो गाड़ी ज़्यादा पड़ी रहेगी, इसके टायर भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये टायर ज़्यादा एक जगह पे पड़ी रहने की वजह से ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो ये टायर कभी भी फूट सकते हैं, ये कभी भी रनिंग टाइम में फट सकते हैं। इसमें बाद में आते सॉकर हाइड्रोलिक आते हैं जिसका, उसके ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। इसके लोअर आर्म में बूसिंग जो आती है वो भी ख़राब हो सकता है, और जो मेटल रबर टाइप्स पार्ट आते हैं जैसे कि अपने इंजन माउंट, ये देखो माउंट पूरा बैठ चुका है। माउंट बैठने की वजह से गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से उसके तीनों तीन माउंट भी ख़त्म हो चुके हैं। ये माउंट ख़त्म हो चुके हैं, बाद में अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ। देखो ये माउंट ख़राब हो चुके हैं, पूरा कैलिपर वैलिपर हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं गाड़ी हमेशा रनिंग रखनी चाहिए, जिससे आपको बाद में कभी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा। ये देखो ये पूरा इसका लोअर आर्म भी रस्टिंग हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें प्ले पड़ गई थी, और रनिंग टाइम में ये कभी भी निकल सकता है। ये पूरी सब फ्रेम में, ये सब फ्रेम तो चलो एक बात में चल जाएगी, हम इसको कलर मार देंगे, पर सस्पेंशन का कोई चीज़ नहीं चलेगा। और बाद में ऐसा है, गाड़ी ज़्यादा पड़ी रहने की वजह से जो इसका इंजन ऑयल होता है उसमें भी स्लस हो जाता है, एकदम चॉकलेट की जगह गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट करेंगे तो ऑयल मूवमेंट नहीं करेंगे, जिससे आपका इंजन अपने सीज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमारे हर वीडियो आपके तक पहुँच सके।